चलिए ऐसे भी जोधपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां आसाराम बापू की पैरोल याचिका का निस्तारण हुआ है। पैरोल कमेटी को कोर्ट ने पुराने नियम के तहत निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। आसाराम की पैरोल अर्जी अब पुराने नियमानुसार ही निस्तारित की जाएगी। चूंकि साल 2021 से पहले सुनाई गई थी सजा, ऐसे में पैरोल नियम 2021 नहीं लागू होगा। 2021 के नियम के तहत पॉक्सो के मामले में नहीं दी जा सकती है पैरोल। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता गिरीश। गिरीश, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर, जहां आसाराम बापू की जो पैरोल याचिका है उस पर जो है अब 2021 का नियम जो है वो लागू नहीं होगा? जी देखिए हिमाद्री, बात करें तो आसाराम बापू पिछले 10 सालों से जोधपुर के सेंट्रल जेल में बंद है। अपने ही गुरुकुल की छात्रा के द्वारा लगाए गए आरोप में वो पॉक्सो के आजीवन कारावास में जोधपुर जेल में ये सजा काट रहे हैं। बता दूं कि आसाराम बापू की ओर से हाईकोर्ट में पेश की गई याचिका पर आज हाईकोर्ट के जस्टिस विजय बिश्नोई व जस्टिस योगेंद्र कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई। आसाराम बापू की सुनवाई करते हुए जस्टिस विजय बिश्नोई की कोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया है। बता दूं कि आसाराम बापू की पैरोल अर्जी पुराने नियमों के तहत विचार कर 6 सप्ताह में अर्जी का निस्तारण करने का आदेश दिया है और 2021 में नए बने पैरोल के नियम के अनुसार पॉक्सो के अन्य धारा काट रहे जो बंदी है उनको पैरोल नहीं दी जाने की अनुशंसा की गई है। गौरतलब है कि 1958 में बने नियमों के तहत सुनवाई की गई और इसके साथ ही सजा काटने के बाद पैरोल का जो अधिकार है वो जो आधी सजा काटने के बाद भी पैरोल का अधिकार मिलता है। और ये कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आसाराम बापू को 2021 से पहले ही सजा सुनाई गई थी, उनकी अर्जी का निवारण पूर्व के नियमों के अनुसार किया गया है। गौरतलब पूर्व पॉक्सो के जो आरोपी जो पैरोल की सजा काट रहे हैं जो 1/4 सजा काटने के बाद भी बंदी को पैरोल देने का अधिकार था। फिलहाल इस पूरे मामले में कोर्ट ने पैरोल कमेटी गठित कर दी गई है और इस मामले में आसाराम बापू के जो हजारों की तादाद में जो भक्त हैं उनकी कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि जल्द ही आसाराम बापू को जो 10 दिन या 15 दिन की जो भी पैरोल मिलेगी उनके उम्मीद है कि पैरोल कमेटी कुछ ना कुछ एक अच्छा निर्णय देगी। जी जी, शुक्रिया गिरीश, बने रहिएगा आप हमारे साथ।